Morning students, today we are going to start a new chapter in science. This is chapter number 17. The name of the chapter is Effects of Light. Let's note down today's objective, which is we will be able to explain scattering of light. Okay, scattering of light kya hota hai? Aaj hum explain kar payenge. Okay, so take 2 minutes, note down today's objective. Alright. Before moving on to today's chapter, let us recall what we learn in grade 6. Okay, light ke bare mein humne grade 6 mein bhi padhai kara tha. Okay, so if you can recall, what is light exactly? Light hota kya hai? Alright, so the definition is, light is a form of energy that enables us to see things around us. Okay, light ek energy hai, jo hume help karti hai aaspaas ke cheezon ko देखने में. Now as you can see in this video here, if there is a dark room where there is no light, you can't see anything. अंधेरे रूम में बिना लाइट के आपको कुछ नहीं दिखता है, right? But when you turn on the light, you can see all the objects in the room. और जब आप लाइट ऑन कर देते हो रूम के अंदर, तो वहाँ की सारी चीजें आपको दिखने लगती है. Okay? So light is a form of energy that helps us to see things around us. Simple. Also, in grade 6, we studied about luminous objects and non-luminous objects. So, luminous objects kya hote hain? Luminous objects are objects which emit light of their own. Aise objects jinke paas apna khud ka light hota hai. For example, sun, light bulb, etc. Okay? And what are non-luminous objects? Non-luminous objects are objects which doesn't emit light of their own. ऐसे objects जिनके पास खुद की light नहीं होती है. ऐसे objects को हम बोलते हैं non-luminous objects. For example, chair, bed, ever, humans. I hope this is clear to you. Now we have a small do now. What you have to do is identify the luminous and non-luminous objects in the given image. ये जो नीचे image दिया हुआ है, इधर में से कौन-कौन से objects luminous objects हैं? और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं आपको बताना है. ओके, यू हैव 3 मिनट्स टू डू दिस. कमिंग बैक इन दिस इमेज, ऑल दिस ट्यूबलाइट्स, जो आपको ये ट्यूबलाइट दिख रही है, दीज आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. इनके पास अपना खुद का लाइट होता है, तो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, एंड दिस ट्री, दिस गर्ल, एक्सेट्रा, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, तो उनको बोलते हैं हम नॉन लुमिनस. ऑलराइट, नाउ सपोज अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, एक बंदा इधर पे खड़ा है और इस इमेज को देख रहा है. ठीक है, नाउ वी नो दैट द लाइट फ्रॉम दिस ट्यूबलाइट विल कम डायरेक्टली टू द पर्सन एंड द पर्सन कैन सी द ट्यूबलाइट. है ना, ट्यूबलाइट से जो लाइट होती है, रोशनी होती है, वो डायरेक्टली इस इंसान के आंखों तक आएगी और वो उस ट्यूबलाइट को देख सकता है. राइट, बट हाउ डू दिस पर्सन सी दिस गर्ल, दिस ट्रीज, एक्सेट्रा. ये लड़की और ये ट्रीज कैसे दिखेगा इस इंसान को, क्योंकि इनकी अपनी लाइट तो होती नहीं है. व्हाट हैपेंस इज, लाइट फ्रॉम दिस ट्यूबलाइट विल ट्रेवल टू दिस गर्ल. ओके, और इस गर्ल के बॉडी से ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है. So this light will reflect and come to the eyes of this person. Now this person can see this girl. ठीक है, similarly light इधर से trees तक जाएगी और trees से भी reflect करके इस इंसान तक आएगी. Now this person can see the tree also. भी मैंने जो ये line draw करी है, okay? These lines are called as path of लाइट. पाथ मतलब होता है रास्ता. ठीक है, कि लाइट किस रास्ते पे चलता है, दैट इज कॉल्ड एज पाथ ऑफ लाइट. नाउ टेल मी, इन रियल लाइफ कैन वी सी द पाथ ऑफ लाइट? लाइट जिस रास्ते पे चलता है, क्या हमें वो दिखता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस बॉय हियर, और इधर पे एक बल्ब है और आप कहीं इधर खड़े हो, आपकी आंख इधर पे है. उस लड़के को देखने के लिए लाइट को लड़के तक आना पड़ेगा और लड़के से रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों तक आना पड़ेगा. राइट, तभी आप इस लड़के को देख पाओगे.
नाउ कैन वी सी दिस पाथ, ये पाथ क्या हमें दिखता है, जो येलो में पाथ है, कैन वी सी दिस पाथ ऑफ लाइट? द आंसर इज नो, राइट? ये पाथ नहीं दिखता हमें. जब लाइट जब ऑफ रहता है तो अंधेरा रहता है, और जब ऑन हो जाती है डायरेक्टली हमें ये लड़का दिख जाता है. बट जो लाइट ट्रेवल कर रही है बल्ब से लड़के तक, लड़के से आपके आंखों तक, वो आपको नहीं दिखता है. बट समटाइम्स वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट. यू मस्ट हैव सीन द पाथ ऑफ लाइट इन फॉरेस्ट, जब पेड़ों के बीच से लाइट निकलती है, और ड्यूरिंग द आफ्टरनून थ्रू ए विंडो, तब भी आपको पाथ ऑफ लाइट दिखता है. पाथ ऑफ लाइट कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता. ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं. ओके, वी टेक टू ग्लासेस एंड अप्लाई अ लेजर लाइट. सो एज यू कैन सी इन बोथ द ग्लास यू कैन नॉट सी द पाथ ऑफ लाइट, बट इन वन ग्लास वी पुट मिल्क. ओके, एंड मिल्क को जब हम स्टर करते हैं, एंड नाउ इफ यू पुट द लेजर लाइट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट. ओके, तो मिल्क सोल्यूशन में जहाँ पे मिल्क और पानी मिला हुआ है, उधर पे लाइट का पाथ क्यों दिख रहा है, उसका पीछे रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. वी नो दैट द मिल्क सोल्यूशन हैज़ मॉलिक्यूल्स, उधर पे मिल्क के मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो वेन एवर द लेजर लाइट हिट अ मॉलिक्यूल, वट द मॉलिक्यूल डज, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट इन ऑल डायरेक्शन. नाउ अ बिग मिरर reflects the light in one direction, but a small molecule reflects light in all direction. Okay, and this reflection of light in all direction is called as scattering of light. ठीक है, इसी को scattering of light बोलते हैं, जब एक छोटा molecule हर direction में light को scatter कर देता है या फिर reflect कर देता है. Okay, और इसीलिए वो red glow होने लगता है, because laser light का भी color red है. Okay, but here पूरा light reflect नहीं होता है, कुछ लाइट मॉलिक्यूल के अंदर से भी पास हो जाता है. ओके, फिर ये जो लाइट होती है नेक्स्ट मॉलिक्यूल को हिट करती है, वो भी मॉलिक्यूल कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करता है, कुछ लाइट पास करता है. ओके, और ऐसे कर करके एक मॉलिक्यूल्स का चेन बन जाता है, जहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है हर डायरेक्शन में. ठीक है, और हम जब इसको दूर से देखते हैं हमें लगता है कि लाइट का पाथ हमें देखने को मिलता है. ऑलराइट, सो लेट्स रिकैप. व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. जब लाइट को हर दिशा में फैला दिया जाता है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द मीडियम. ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये होते हैं जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, गैस के हो गए, डस्ट के हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा, जो कि मीडियम में रहता है. मीडियम मींस जहां से लाइट पास कर रहा है, इट कैन बी एयर, इट कैन बी वाटर, एक्सेट्रा. ठीक है, ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. तो कोई भी मीडियम का, फॉर एग्जांपल एयर में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकती है, डस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे हो सकती है, फॉग होता है उससे हो सकता है. ठीक है, पानी में अगर मिल्क मिला दे तो उससे आपको स्कैटरिंग दिखने को मिलता है. ओके, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या होता है, आपको लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है. ओके, एग्जांपल आर ड्यू टू फॉग एंड डस्ट वी आर एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इन द फॉरेस्ट द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल. ओके, सिमिलरली ड्यूरिंग फॉग, जब कोहरा होता है तब जो गाड़ी के हेडलाइट्स होते हैं उधर का लाइट का आपको पाथ दिखने लगता है. ओके, ऑल दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, टेक 2 मिनट्स, नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक. ऑलराइट, मूविंग ऑन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फिनोमिनन व्हिच इज कॉज्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक फिनोमिनन कॉज होता है, उसको हम लोग जानते हैं. एंड दैट फिनोमिनन इज व्हाई इज द स्काई ब्लू एंड स्पेस इज ब्लैक. ठीक है, अपना अर्थ का जो स्काई है वो एटमोसफियर है, वो ब्लू कलर का दिखता है, लेकिन जब हम एटमोसफियर से बाहर चले जाते हैं तो स्पेस होता है वो ब्लैक कलर का होता है. तो ऐसा क्यों होता है? राइट, सो वी नो दैट द सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स. हमें पता है सनलाइट 7 कलर्स से बने होते हैं, विच इज विब्योर. राइट, विब्योर का फुल फॉर्म हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आप एक बार उसको चेक कर लेना. राइट, नाउ
what happens is the blue light is scattered the most. So जितने भी सात colors है उसमें से सबसे ज़्यादा color जो scatter करता है gas molecules वो होता है blue color. इसीलिए हमारा अर्थ का जो एटमोसफियर है, जो स्काई है, वो ब्लूइश कलर का देखने को मिलता है. तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सन से जो लाइट निकलती है उसमें सेवन कलर्स होते हैं. ठीक है, सेवन कलर्स जब गैस मॉलिक्यूल्स से टकराती है एटमोसफियर में, ब्लू सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है. ओके, तो इसीलिए पूरा स्काई हमको ब्लू कलर का देखने को मिलता है. ओके, एंड लास्टली इन स्पेस देयर इज नो एटमोसफियर. स्पेस में आपको एटमोसफियर ही नहीं मिलता. ठीक है, तो उधर पे कोई मीडियम नहीं है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा ही नहीं. और स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो आपको लाइट का पाथ नहीं दिखेगा. इसलिए स्पेस में जब लाइट ट्रेवल करती है आपको नहीं दिखता है उसका पाथ. सो दिस इज द रीजन वाई द स्काई इज ब्लू एंड स्पेस इज ब्लैक. ओके, टेक 2 मिनट्स, नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक. लास्टली लेट्स सी अनदर फिनोमिनन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड दिस इज व्हाई इज द स्काई रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. आपने देखा होगा सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो स्काई होता है वो रेड कलर का दिखने लगता है. ऐसा क्यों होता है ये हम देखते हैं. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सनलाइट हैज टू ट्रेवल लॉन्गर इन द एटमोसफियर. कम टू दिस डायग्राम, आप देखो इस जगह पे सनराइज या सनसेट हो रहा है और इस जगह पे दिन हो रहा है. यहाँ पे दिन हो रहा है, उधर पे लाइट को कम एटमोसफियर ट्रेवल करना पड़ रहा है, और जहाँ पे सुबह या शाम हो रहा है तो देखो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है एटमोसफियर में. क्योंकि लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एटमोसफियर में, ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड. ठीक है, तो सारे कलर्स एक एक करके स्कैटर होने लगते हैं. तो पहले ब्लू होता है, फिर ग्रीन होता है, एकदम लास्ट में रेड कलर स्कैटर होता है. तो जब इधर से आप देखोगे, ठीक है, जब वहाँ पे सनसेट या सनराइज हो रहा है उस जगह से आप देखोगे तो आपको रेड कलर ही सबसे ज़्यादा दिखेगा. ठीक है, तो सन के जितने भी लाइट होते हैं सबसे पहले ब्लू कलर स्कैटर होता है, उसके बाद बीच वाले कलर स्कैटर होता है, एकदम लास्ट में रेड कलर स्कैटर होता है. ठीक है, जब सनसेट होता है एकदम लास्ट में, क्योंकि रेड कलर स्कैटर होता है, आपको स्काई रेड कलर का दिखता है सनसेट या सनराइज के टाइम पे. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. टेक 2 मिनट्स, राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक. Alright, so that is the end of today's lesson. Let's quickly recap what we learned today. We learned about the scattering of light. ठीक है, scattering of light क्या होता है उसको हमने आज देखा, समझा. ओके, देन वी लर्नड अबाउट why the sky is blue during the day and red during sunrise and sunset. So that's all for today's lesson. Thank you for listening and I will see you next time.